ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, बर्फ के पास जाने पर बगैर मांगे शीतलता की प्राप्ति हो जाती है। अग्नि के पास जाने पर बगैर मांगे गर्माहट की उपलब्धि होती है। गुलाब के समीप जाने पर बगैर मांगे सुगंध की उपलब्धि होती है। फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओगे तो सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। सम्यक दृष्टि को चाहिए कि भगवान से समीपता निरंतर बढ़ाता चला जाए। मिथ्या दृष्टि भगवान के चरणों में पहुंच करके उनसे याचना करता है, कांक्षा करता है और सम्यक की राय से कोसों दूर रह जाता है। सम्यक दृष्टि अपने विराग भाव के माध्यम से संसार के तमाम वैभव को तो उपलब्ध होता ही है, आध्यात्मिक पथ पर चल करके मोक्ष मार्ग को वरण करता हुआ कैवल्य का लाभ लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसारी प्राणी छोटी छोटी मुश्किलें उपस्थित होने पर भगवान के चरणों में अरदास करता है, मनोतियां करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि अर्थात सही समझ रखने वाला आदमी निर्ग्रंथ वीतराग भगवान के चरणों में किसी प्रकार की फरमाइश नहीं करता है। उसके दिल में भगवान से अपने दिल को जोड़ने की बात बनी रहती है और जो इतने विशाल प्रभु से अपने रिलेशन जितने निकट के बनाता चला जाता है उसके जीवन में उतनी ही सुविधाएं, उतने ही प्रमोशन होते हुए चले जाते हैं और इतनी नज़दीकता बढ़ जाती है कि भक्त को भगवान से कहना पड़ता है, हे भगवान, आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है, जिंदगी को महकाने वाला हर एक रास्ता तुम्ही से है। और इस ऐसी स्थिति में इतनी ऊंचाई आप मुझे मत दे देना कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां मत दे देना कि किसी के दुख पर हंसी आने लग जाए। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग निर्बल और अधीनस्थ पर करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी की उन्नति, प्रसन्नता, प्रशंसा या उत्तम कर्म देख जल जल मरूं। हे ईश्वर, ऐसा ज्ञान और वाग्मीता ना देना जिसका मुझे अभिमान होने लगे और ना देना ऐसी चतुराई कि लोगों को छलने लगूं। जिन कन्नों ने मुझे सहारा दिया उन्हीं पर नाचने लगूं, ये मेरे जीवन के लिए हास्यास्पद हो जाएगा। भगवान, मुझे तो मात्र आपकी भक्ति ही बनी रहे, मुझे वाग्मिता नहीं चाहिए और न कोई शाब्दिक ज्ञान की गहरी लालसा है, बस आपके चरणों में आपकी भक्ति बनी रहे। हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा अभिमान का संस्कार जागृत न हो, प्रभु दर्शन से मेरी आंखों में आराम मिलता है।
प्रभु दर्शन से मेरी आंखों में आराम मिलता है। किस्मत वालों को ही प्रभु का धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे भगवान, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। प्रभु दर्शन से मेरी आंखों को आराम मिलता है। हे नाथ, आपके नजदीक बैठने से मेरी आंखों को निरंतर आराम मिलता है। और ये भी जानता हूं कि आराम किस्मत वालों को मिलता है, इसलिए हे नाथ, आप मुझे अपने से मुझे कभी दूर मत करना। तेरे चरणों में जो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रमोद है, शालीनता है, खुशी है, उत्कर्ष है, विनम्रता है, विकास है, विस्तार है, वो कहीं और तो है ही नहीं। इसलिए अपने चरणों से मुझे पृथक दूर मत कीजिए। भगवान, मैं इस धरती पर देखता हूं अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद तय करते हैं। ये साइड से खड़े होकर जो दिमाग में चालबाजियां पैदा कर लेता है इंसान, ये निश्चय ही परमात्मा से दूर करने वाला है। भगवान, ये रास्ता में जानता हूं आप वो है हैसियत हैं जो खामोश रहने वाले व्यक्ति को भी वरदान देते हैं और बोलने वाले को भी देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सम्यक त्वयि भव्यात्माओ, प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होना चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। पैदाइशी गूंगे होते, पैदाइशी बहरे होते हैं, उनकी भी सुनवाई भगवान के अदालत में होती है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। खामोश रहिए और कर्म कीजिए। आदमी जितना ज्यादा बोलता है उतना वह कर्म की लपेट में आता चला जाता है। मन वचन और कर्म की चपलता, उसके लिए हर पल कर्म के बंधन से बांध चली जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु दर्शन से मेरी आंखों को आराम मिलता है। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो इनके दर पर आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आदमी को हमेशा परमात्मा के दर पर आना चाहिए। यह ऐसी अदालत है जहां खामोश रहकर के काम करने की इजाजत दी गई है। धर्मस्नेही बंधुओं, बा अदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। वा अदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। बादशाह जैन का ये महर्म दरबार है। ये बादशाह महावीर का दरबार है। इस दरबार में आने वाले व्यक्ति को बहुत ही सलीके के साथ आने का हुनर होना चाहिए। और जब उसके पास बहुत अच्छा हुनर होता है तो बहुत ही शालीनता के साथ शॉर्टकट से ही भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान अमीरों का नहीं, भगवान गरीबों का नहीं, भगवान उनका है जिनके अंदर उनके प्रति भक्ति है। एक मेंढक भगवान की भक्ति करके, अर्थात भगवान के इतने नज़दीक पहुंच गया कि वह स्वयं सैनिक राजा के साथ
भगवान के शमु शरण में जा रहा था। श्रेणिक अपने राजपने के नशे में डूबे हुए थे। श्रेणिक के हाथी का पैर उस मेंढक के शरीर पर गिर जाता है, मेंढक की जीवन लीला पूर्ण हो जाती है। लेकिन वह मेंढक के मन में भगवान के प्रति जितनी नज़दीकता थी, शायद उतनी नज़दीकता राजा श्रेणिक के मन में भी न बन पाई। और श्रेणिक बाद में भगवान के चरणों में पहुंचा, लेकिन वह मेंढक पहले ही भगवान के चरणों में पहुंच गया। धर्मस्नेह बंधुओं, ये भावों का खेल है कि सम्राट मार्ग का मार्ग में ही चलता रहा, लेकिन मेंढक को भगवान के प्रति इतनी दूरी कम हो चुकी थी। शरीर भिन्न भिन्न दिखते थे, आत्मा बहुत नज़दीक दिखाई देने लग रही। एक और घटना से वाकिफ कराता हूँ। एक रोज पार्श कुमार आग में जलते हुए नाग नागिन को परमात्मा का स्मरण करा, उन्हें बैकुंठ में देव का रूप दिलाने में सहयोगी बने। पंचाग्नि तप तपते हुए एक भिक्षु जो अग्नि में नाग नागिन जल रहे लकड़ी के अंदर, पार्श्वनाथ ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से बता दिया और जलते हुए नाग नागिन को बाहर निकाल उन्हें महामंत्र नवकार दिया, जिसके प्रताप से वह धैर्यानंद और पद्मावती हुए। ये केवल भावों की नजदीकी का कारण बतला रहा हूं आपको। जितनी परमात्मा के प्रति हमारी दूरियां कम होती चली जाएंगी, हमारी फरमाइशें कम होती चली जाएंगी, कामनाएं कम होती चली जाएंगी। आप श्री महावीर जी जाते हैं और भी अन्यत्र क्षेत्रों पर जाकर के वहाँ भगवान के चरणों में याचिका लगाते हैं, भगवान यदि मेरा यह काम हो गया तो मैं सोने का छत्र आपके सिर पर टांगूंगा। ये तो मिथ्या दृष्टि का काम था। सम्यक दृष्टि कभी भी किसी चीज की भगवान के चरणों में याचना नहीं करता है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। ये ऐसे वीतराग अरंत देव हैं, इन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया है, लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि उस चीज को धारण नहीं कर पाते। और जब धारण नहीं कर पाते तो छोटी छोटी चीजों की याचना करने लग जाते हैं। किसी मित्र ने आपको अपने घर भोजन पर निमंत्रित किया है और वहां पहुंचने के बाद बहुत तरह तरह के 56 प्रकार के व्यंजन सजोए जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि भाई साहब एक पानी तो पिलाएंगे ना, तो बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। आपके लिए 56 प्रकार के भोग तैयार हो रहे हैं और आप एक गिलास पानी के लिए उसके लिए प्रेरित करते कि भाई साहब एक गिलास पानी मिलेगा क्या, तो बहुत ही बौनापन लगता है। जिस प्रभु के चरणों में प्रार्थना भक्ति करने से मोक्ष का लाभ होने वाला है, उसके चरणों में सांसारिक छोटी छोटी वस्तुओं की याचना कर करके अपने जीवन को अंधकार में धकेलना ही है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध पूर्वक कहता हूँ, सम्यक दृष्टि आत्मा को चाहिए कि परम वीतराग निर्ग्रंथ प्रभु के चरणों में किसी चीज की प्रार्थना, काम भोग बंद की कथाओं की प्रार्थना ना करें। डायमंड के व्यापारी के पास डायमंड ही मिलता है और फल की दुकान वाले के पास फल ही मिलते हैं। आप वीतराग प्रभु के दरबार में वीतरागता ही कामना करें। अगर आपका मन करता है, वरना उनके चरणों में आपको मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं, हे भगवान, मैं भी कितना अजीब सा इंसान हूं। एक भक्त बोलता है, हे भगवान, मैं कितना अजीब सा इंसान हूं, व्यस्त होता हूं तो साधना भूल जाता हूं। काहे व्यस्त होते हैं, काम भोग बंद की कथाओं में भगवान।
रोटी कपड़ा मकान की हिस्ट्री में जब व्यस्त हो जाता हूं तो साधना भूल जाता हूं, जब औरों की बुराई करने लग जाता हूं तो अंजाम भूल जाता हूं। बुराई करने के क्या साइड इफेक्ट हैं? जो दूसरों की बुराई करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है, उसे नीच गोत्र का बंध होता है और नीच गोत्र अनंतानुबंधी कसाय के साथ हुआ करता है और ऐसी जगह जाके व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है जहाँ धर्म कर्म से रहित वातास हुआ करता है। आदमी की आँखें निरंतर सूखी हुई रहती हैं, इसलिए दूसरों की बुराई का अंजाम ये समझ करके कभी दूसरे की बुराई बना लगे। भोजन में धन्यवाद कहना भूल जाता हूँ, भूखा पेट है, कोई इंसान दया कर भोजन कराता भी है तो उसको धन्यवाद करने की भी आज आपके अंदर शॉर्टेज हो गई। इतने शब्द कम पड़ गए कि भोजन कराने वाले व्यक्ति को धन्यवाद करना भूल गए। गुस्से में तो सारी बर्दाश्त शक्ति को भूल जाता हूँ। क्रोधी आदमी अपने क्षमा गुण को भूल करके बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। किसमें? गुस्से में आकर के बर्दाश्त शक्ति भूल जाता है। ओहो, मैं भी तो पार्श्वनाथ भगवान की तरह सहनशील हूँ, ये बात क्यों विस्मृत हो गया? इसीलिए कि गुस्से में आँख बंद हो जाती है, मुख खुल जाता है और कुछ भी निकलना शुरू हो जाता है। विवेकी आदमी आँख खोल के रखता है, मुंह पर कंट्रोल रखता है। जब आँख खुली होती है तो उसको दिखलाई पड़ता है कि मैं अरंत के चरणों में हूँ, अथवा आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी के सानिध्य में हूँ, या परिवार के बीच में खड़ा हुआ हूँ। मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना करना चाहिए, ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने की हैसियत क्षमावान व्यक्ति को ही हो पाती है। और जब भगवान सफर पर जाऊं तो आपकी अरदास भूल जाता हूं। इतना में बातों में मस्त हो जाता हूं सफर के समय कि आपकी प्रार्थना अरदास भूल जाता हूं। कई बार मैं देखता हूं जब दिल्ली से भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर समीर शिखर जी के लिए हजारों हजार आदमी एक ही रात में राजधानी में बैठ करके चल पड़ते हैं तो पूरी रात रात क्या करते हैं? कोई पार्श्वनाथ के गीत गाते हैं? दिल्ली की राजधानी में बैठ करके दिल्ली से पार्श्वनाथ तक पहुंचने के लिए रात भर सुबह 6 बजे तक कोई पार्श्वनाथ के गीत गाते रहते हैं क्या? नहीं, सारे संसार की आलोचना करते रहते हैं और भूख से ऐसे पीड़ित रहते हैं जैसे बरसों से भोजन मिला ही ना हो। फिर आदमी रात भर कुछ खाता रहता है, है ना? खाते रहते हैं आप। यदि आप यहाँ से नियम लेके भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर निकलें तो मैं समझता हूँ कि आप सफर में परमात्मा की अरदास करने जा रहे हैं। पूरे रास्ते उनसे प्रार्थना विनती करते चले जाएं तो मन आनंदित होता है और देखने वालों का मन भी प्रफुल्लित होता है कि सत्संग में जा रहा है। लेकिन आज सफर पर जाऊं तो अरदास भूल जाता हूं। लेकिन क्या शान है मेरे परमेश्वर, क्या शान है मेरे परमेश्वर कि वह फिर भी नवाजता है, वह नहीं भूलता भले ही मैं अपनी औकात भूल जाता हूँ। हम अपनी औकात जरूर भूल जाते हैं लेकिन पार्श्वनाथ हमारे लिए नवाजता है, हमारे हर तरह की फैसिलिटी देता है, हर तरह का वातावरण देता है, हर तरह की खुशी देता है, आनंद देता है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि उनके चरणों में यदि निष्कांक्ष भाव से और जाने लग जाएं तो आपका जीवन रोज गार्डन की तरह खिल जाएगा, महक उठेगा। समय आपका हो रहा है और मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन को विशेष सुंदर बनाने के लिए आज एक
संकल्प उठा लीजिए कि आग के पास जाने से ताप मिलता है, गुलाब के पास जाने से सुगंध मिलती है, तो परमात्मा के पास जाने पर शांति नहीं मिलेगी, 101% शांति मिलेगी, बशर्ते हम किसी प्रकार की याचना ना करें। सम्यक दृष्टि कभी किसी चीज की याचना नहीं करता है। जो अज्ञानी होता है, बाल बुद्धि होता है, मिथ्या तप में डूबने वाला होता है, वह व्यक्ति ही वीतराग भगवान के चरणों में फरमाइश करता है। आप सब सम्यक दृष्टि आत्माएं हैं, भव्य आत्माएं हैं, आपको कभी भी वीतराग प्रभु के चरणों में किंचित भी याचना नहीं करना चाहिए, बस दूरियां कम करते चले जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि भगवान के चरणों में इतना दूरी कम करता है, इतना दूरी कम कर लेता है कि शरीर पृथक पृथक दिखते हैं पर आत्मा बिल्कुल करीब होती चली जाती हैं। ऐसा शुद्धोपयोग के माध्यम से ही होता है। और मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँ, जब ध्यान में आप डूब जाते हैं तो आप अरहंतमय हो जाते हैं। ध्यान में डूब जाते हैं सिद्धों के तो आप सिद्धमय हो जाते हैं। पंच परमेश जी का ध्यान करते करते पंच परमेश मय हो जाते हैं, और यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अंत में पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान, भक्त कहता है, हे भगवान, मैं जब संसार में व्यस्त हो जाता हूँ तो साधना भूल जाता हूँ, बुराइयों में फंस जाता हूँ तो अंजाम भूल जाता हूँ, भोजन करने लग जाता हूँ धन्यवाद करना भूल जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ तो अपने पेशेंस को भूल जाता हूँ, सफ़र में जब होता हूँ आपकी अरदास भूल जाता हूँ, फिर भी आप कितने विराट हैं, महान हैं कि मेरे इतने सब कुछ करने के बाद आप मुझे नवाजते रहते हैं, भले ही मैं अपनी औकात को भूल जाऊँ। देखो भगवान कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं, कितने उन्नत हैं कि हमारी हर एक चीज को विस्मृत करके अपना पूरा आशीष हमको प्रदान करते रहते हैं। इसलिए हमें हर स्थिति में अपने अनंत का स्मरण करते रहना चाहिए, दूरियां संसार की दूर करते रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रति दूरी को घटाते रहना चाहिए। जितना नज़दीक जाएंगे, जितने पास आएंगे, उतने उतने हम सुख और शांति के आस्पद होते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि जब किसी तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थंकर के पादमूल में जाएं, किसी आचार्य के चरणों में जाएं, तो वहाँ जाकर के मनोती ना करें। मनोतियाँ करना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि तो वह है जो निष्कांक्ष होता है, निष्कांक्ष होता है। और हमारे भगवान तो ऐसे हैं, बिन महंगे मोती मिले, जब ऐसे वीतराग भगवान के चरणों की शरण आपने ग्रहण की है तो आपको सच्चे मन से जिंदगी पूरी उनके चरणों में लगा देनी चाहिए और निष्कांक्ष ही जीते रहना चाहिए। निष्कांक्ष सम्यक दृष्टि निश्चय से स्वर्ग मोक्ष के सोपान चढ़ लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए, महावीर भगवान की जय।